हे हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है अंशुन और आप देख रहे हैं लर्न टू ड्राइव। सो आज हम खड़े हैं एक इंडियन एसयूवी के सामने, जो कि आपके पास क्रेटा है, जो कि बहुत ही जानी मानी है। आज से नहीं, ये बहुत पहले से चली आ रही है और अब इसको एकदम चेंज कर दिया है। इसके अंदर से लेके बाहर तक के लुक को चेंज कर दिया गया है। इसकी की अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस टाइप की आती है। ये ई मॉडल नहीं है, ये EX है, मतलब कि एक बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है ये। और इसमें आपको ऐसी की मिलती है जिसमें आपको लॉक अनलॉक और होल्ड करके रखेंगे तो आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। बस इसमें एक कीलेस एंट्री नहीं आती, आपको इसे मैन्युअली ही यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा और स्टार्ट बटन नहीं आता इसमें। तो की को रखते हैं साइड में, बाकी बात करते हैं इसकी पूरी डिटेल रिव्यू की। तो शुरुआत करता हूँ मैं इसके फ्रंट से, एक वॉक अराउंड आपको दे देता हूँ। पहले पीछे से ऐसी है कि आपकी क्रेटा, तो ये आप वाइट कलर देख रहे हैं। इसमें आपको और भी कलर ऑप्शन मिलेंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ फ्रंट की, तो फ्रंट में आप देख सकते हैं ऐसी इसकी ग्रिल आती है जो कि काफ़ी अच्छी है। मतलब कि अगर बेस वेरिएंट के हिसाब से देखा जाए तो मतलब ये बेस ही बोला जाएगा, बेस से एक ऊपर वाला है। तो इसमें आपको एक सिल्वर फिनिश मिल जाता है, यहाँ एक बीच में हुंडई का लोगो मिल जाता है। बाकी आप आफ्टर मार्केट, तो भाई आजकल क्या नहीं होता, आप आफ्टर मार्केट इसमें कुछ भी करवा सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है जी कि हम आपको प्रोजेक्टर मिल रहा है EX वेरिएंट में, और यहाँ पास आपको DRL मिलते हैं पूरे। तो इसमें आपको मैं अभी इसको जला के भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इसके इंडिकेटर हैं, इसमें आपको फॉग लैंप नहीं मिल रहे हैं, इसे मैं आपको जला के भी अभी दिखाता हूँ। और यहाँ टोइंग के लिए एक मिलता है, और यहाँ बाकी फ्रंट में आपको कोई सेंसर वगैरह नहीं मिलते हैं। फ्रंट से गाड़ी ऐसी दिखती है। यहाँ पास आप देख सकते हैं बोनेट जो इसका, यहाँ पास लाइनिंग है काफ़ी अच्छी लग रही है, जो कि स्पोर्टी एक लुक आ रहा है इसका। और यहाँ आप विंडो स्क्रीन देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी है, दो वाइपर हैं इस पर। साइड प्रोफाइलिंग की अगर बात करूँ तो साइड प्रोफाइलिंग से गाड़ी ऐसी दिखती है, जो कि काफ़ी मतलब कि अल्काज़ार जैसी दिखती है, बट अल्काज़ार थोड़ा सा इससे ज़्यादा ब्रॉड है जो कि यहाँ पास खड़ी हुई है। तो बात करते हैं इसके पहले टायर्स की। तो टायर में आप देख सकते हैं इसको, इसमें आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेगा, इसमें आपको 205/65R16 इंची की इसमें आपको स्टील रिम मिलते हैं विथ व्हील कैप्स। ये आप देख सकते हैं व्हील कैप है ये इसमें ऐसे ही लगे होते हैं, लेकिन दूर से ऐसा लुक आता है कि शायद अगर गाड़ी चलती हुई में कोई देखे तो उसे लगे कि ये अलॉय है। अगर इसके ORVM की बात करते हैं तो ORVM पे ही आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिलती है, जो कि काफ़ी सही है। और यहाँ आपको ये भी आपको बॉडी कलर मिलते हैं, जो कि भी काफ़ी अच्छी बात है। ऊपर आप देख सकते हैं इसमें रूफ रेल और आपको सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ये EX मॉडल है। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। ये चीज़ आपको हर गाड़ी में मिलेगा, जो आप ये सिल्वर फिनिश देख रहे हैं पूरा वहाँ तक गया हुआ है। या आप कोई भी कलर लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, कोई भी वेरिएंट, सब में आपको ये मिलेगा। आइए पीछे जाने से पहले मैं आपको इसकी आगे हेडलाइट इसकी ऑन कर देता हूँ। देख सकते हैं ऐसे इसका प्रोजेक्टर का थ्रो है, जो कि येलो पे है, और ये आप देख सकते हैं DRL इसके वाइट पे है, जो कि दूर से मैं आपको दिखाता हूँ तो कुछ ऐसी लगती है, काफ़ी सही सा लुक आता है इसका। तो चलिए पीछे के मैं आपको दिखाता हूँ। करते हैं इसकी पीछे की टेल लाइट की, तो पीछे आप देख सकते हैं ऐसे टेल लाइट आती है इसमें, जो कि आपको पहले और थोड़ा सा चौड़ी रहती थी, अब पतली कर दी गई है ये स्ट्रिप। और यहाँ आप देख सकते हैं ये आपके इंडिकेटर और ये ब्रेक लाइट पे है। ऐसी कुछ दिखती है आपकी क्रेटा पीछे से, जिसमें कि आपको बीच में भी एक यहाँ पास आपको लाइट मिलेगी, यहाँ से हट के यहाँ पास है इसमें क्रेटा स्पेस देके लिखा हुआ है। इस वेरिएंट पर आपको कैमरा नहीं मिलता है, यहाँ आप देख सकते हैं आपको दो सेंसर मिलते हैं, अब हर गाड़ियों में दो आने लगे हैं, पहले 4 आते थे। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। नीचे आप रिवर्स लाइट और रिफ्लेक्टर देख सकते हैं। इसका जो आपका नीचे वाला बम्फर है वो आपको सिल्वर में मिलता है, जो कि दूसरा कलर है इससे, तो इसमें बॉडी कलर बम्पर नहीं है। और साइड में आप देख सकते हैं यहाँ क्लैडिंग जो है ये भी ब्लैक पे है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पास आपको शार्फिन एंटीना भी मिलता है, और यहाँ आपको थोड़ा सा स्पॉइलर जैसा लुक मिलता है। तो पूरी एक्सटीरियर तो मैंने आपकी गाड़ी को बता दी है, आइए बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो मैं आपको पहले बूट स्पेस बता देता हूँ, हेडलाइट इसकी बंद करते हैं। तो बूट स्पेस की बात करते हैं, तो इसमें जो आपका बूट आता है वो 433 लीटर का आता है, 433 लीटर्स का, जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि 5 सीटर गाड़ी है, उसके बाद से आपको इतना ज़्यादा जगह मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं इसमें जो आपका ये टायर है,
इसकी अगर साइजिंग की बात करूँ मैं तो इसकी साइजिंग है R16 की इसकी साइजिंग है, और जो यहाँ पास आपके लगे हुए हैं उसकी भी आपकी 16 इंचेस की साइजिंग है। तो ये काफ़ी सही किया कंपनी ने, क्योंकि जितनी भी गाड़ी मोस्टली आ रही है उसमें एक इंच कम कर देते हैं स्पेयर व्हील का। तो इसमें आपको 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको इंसुलेशन भी मिलता है, ऐसा कुछ है। इसमें आपको यहाँ पास पियानो फिनिश भी मिलेगा। और अगर आप बात करते हैं मैं इसके इंटीरियर में, तो इसका स्टार्ट करते हैं डोर से। तो अगर इसकी डोर की बात करते हैं, डोर में आप देख सकते हैं यहाँ पास आपको इलेक्ट्रॉनिकली इसको आप फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं, एडजस्ट भी। चारों पावर विंडो मिलते हैं, और यहाँ पास आपको सिल्वर फिनिश नहीं मिलेगा क्योंकि ये EX वेरिएंट है, और यहाँ पास आप देख सकते हैं ब्लैक पे आपको मिलेगा। यहाँ आपको ट्यूटर और यहाँ पास स्पीकर मिलेंगे। अगर इसकी मैं बात करता हूँ फैब्रिक शीट्स की, तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। आइए इसके अंदर देखता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ ये आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग, ऊपर नीचे आगे पीछे, क्योंकि EX वेरिएंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। इसमें अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पास मैं आपकी बात करता हूँ पावर विंडो की, तो इसमें वन टच डाउन फंक्शन नहीं मिल रहा है, ना वन टच आप इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेस से ऊपर वाला है, तो इसमें आप क्या ही चाहोगे। और अंदर देखता हूँ, तो अंदर आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, और यहाँ पास इसके डैशबोर्ड का लुक अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी बीच में जो है इसमें हटा दिया गया था सब कुछ, अभी ये फिर से शायद आने लगा होगा। इसका ग्लोव बॉक्स ऐसा है कुछ। यहाँ पास आप एयरबैग की बैजिंग देख सकते हैं, वहाँ भी आपको एक एयरबैग मिलेगा। इसके एसी वेंट का डिज़ाइन कुछ इस तरह सा है, जिसमें आपको सिल्वर फिनिश मिलता है। और यहाँ पास आप देख सकते हैं यहाँ पास आपको हेडलाइट के कंट्रोल और इधर वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं। और यहाँ पास आप देख सकते हैं जो आपका टच स्क्रीन आता है वो ऐसा है, इसका काफ़ी सही रिस्पॉन्स है। तो और इसके बारे में तो मैं काफ़ी ज़्यादा बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। इसका टच रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा है, और आप देख सकते हैं इसका जो भी मॉडल आप देख रहे हैं। और यहाँ पास देखिए आपको यहाँ पास ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता है, नॉर्मल एसी मिलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, प्लस यहाँ USB और USB के पोर्ट हो गए। यहाँ पास आप देख सकते हैं 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। और यहाँ आप देख सकते हैं 2 कप होल्डर, 1 हैंड ब्रेक, और यहाँ पास आपको आर्मरेस्ट में थोड़ी स्पेसिंग, और काफ़ी कंफर्टेबल लगती है गाड़ी बैठने में। अगर इसकी स्टेयरिंग की बात करें तो इसमें फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग आती है, जिसमें आपको वॉइस कमांड और कॉल रिजेक्ट और रिसीव करने के भी ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं क्रूज़ कंट्रोल इसमें आपको नहीं मिलता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। लाइट्स वगैरह भी दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं वहाँ पास लाइट्स के कंट्रोल आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, वो करके दिखाता हूँ। इल्यूमिनेशन, वन टच टर्न इंडिकेटर, हेडलैम्प डिले, मतलब आप इसमें काफ़ी कुछ सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैं अभी इसे नहीं कर रहा हूँ, सेटिंग नहीं छेड़ रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको जो इसका IRVM है उसमें आपको कोई भी ब्लू लिंक का फीचर नहीं मिलता। यहाँ आपको सनग्लास होल्डर और यहाँ पास आपको लाइटिंग मिलेगी, यहाँ पास वैनिटी भी मिरर, इधर साइड टिकट होल्डर, और यहाँ पास आपको सनरूफ भी नहीं मिलती। ग्रैब हैंडल देख सकते हैं, पीछे चलते हैं तो पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं, पीछे का डोर ऐसा आता है जो जिसमें वो आपको ब्लैक और थोड़ा सा ये वाइट सा लुक आता है। और यहाँ आप देख सकते हैं पावर विंडो आपको मिलती है, यहाँ स्पेसिंग देख सकते हैं। यहाँ की मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, स्पेसिंग काफ़ी अच्छी है, आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, फिर भी मुझे इतनी जगह बच रही है। ऊपर हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ भी आपको एक लाइट मिलती है। यहाँ आप देख सकते हैं एसी वेंट आपको मिलते हैं, जो कि यहाँ भी आपको सिल्वर फिनिश दिया जाता है, लेकिन यहाँ आपको चार्जिंग के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। पीछे आपको पार्सल ट्रे भी नहीं मिलती है, और तो ऐसा कुछ है इसका पीछे का, काफ़ी अच्छी जगह है इसमें, स्पेसिंग के मामले में क्रेटा अच्छी है। आइए बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसमें जो आपका इंजन है वो 1500cc का इंजन आता है, और इसमें जो पावर आपकी निकलती है 113.42 BHP की निकलती है 6300 RPM पे,
और जो इसका आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो है 143.8 Nm का, 4,500 RPM पे। और जिसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको 50 लीटर मिलती है, और इसका जो कंपनी माइलेज की क्लेम करती है वो है 16.8 का माइलेज। सो ऐसी कुछ है आपकी हुंडई की क्रेटा। अगर इसकी प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो इसकी प्राइसिंग आपको पड़ेगी, ये आपको पड़ेगा ये वेरिएंट EX 1,289,065 का। तो ऐसा कुछ है इसका लुक। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।